नमस्ते, ग्रीष्म एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे एयर कंडीशनर में फ्यूज़ क्यों ब्लो होता है, या फ्यूज़ क्यों जलता है, या एमसीबी या एलसीबी ट्रिप क्यों होता है। तो फर्स्ट रीज़न जो है यहाँ पे इनकरेक्ट फ्यूज़ और एमसीबी, मतलब फ्यूज़ की जो कैपेसिटी होती है ना, उसको चेक करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मशीन जो है 10 एम्पियर करंट ले रही है और हमारा फ्यूज़ का रेटिंग है, एमसीबी का रेटिंग 10 एम्पियर से कम है, तो उस केस में फ्यूज़ या एमसीबी जो है, फ्यूज़ जल सकता है, एमसीबी ट्रिप हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो रेटिंग डिवाइस होता है, मतलब जो ट्रिपिंग डिवाइस का ये जो रनिंग करंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओके, तो उसके हिसाब से आपको फ्यूज़ या एमसीबी को सिलेक्ट करना है। तो ऐसा फ्रिक्वेंटली हो रहा है, फ्यूज जल रहा है या फिर एमसीबी ट्रिप हो रहा है, तो उसको उसकी कैपेसिटी को चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगला कारण जो है, दैट इज शॉर्ट और इनकरेक्ट इंटरनल वायरिंग। जो एयर कंडीशनर की वायरिंग होती है, इंटरनल वायरिंग, उसको चेक करना पड़ेगा। कई बार उसमें गलत वायरिंग की जा सकती है, या अंदर कहीं पे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से फ्यूज जल सकता है, एमसीबी या एलसीबी ट्रिप भी हो सकते हैं। अगला जो कारण है, फॉल्टी रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर भी यहाँ पे फॉल्टी हो सकता है, तो आपको रनिंग कैपेसिटर को चेक करना है। कभी भी रनिंग कैपेसिटर जब फॉल्टी होता है तो मशीन ज़्यादा करंट लेती है, और मशीन जब ज़्यादा करंट लेगी तो जो एमसीबी है या फ्यूज़ जो है जलने की पॉसिबिलिटी है, एमसीबी ट्रिप होने की पॉसिबिलिटी होती है। शॉर्ट और जैम कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर अगर शॉर्ट होगा, कंप्रेसर की वाइंडिंग अगर शॉर्ट होगी, तो काफ़ी सारा करंट जो है वाइंडिंग में से फ्लो होगा, और एक्सेसिव करंट फ्लो होने से एमसीबी ट्रिप हो सकता है या फिर फ्यूज़ जल सकता है, या फिर लुब्रिकेशन कम होने से या बेरिंग फेल होने से कंप्रेसर का रोटर जो है वो घूमता नहीं है, तो उसको एक्सेसिव पावर चाहिए, और वो जब एक्सेसिव पावर लेगा तो उस केस में भी एमसीबी ट्रिप होता है या फ्यूज़ जो है ब्लो होता है। कंप्रेसर स्टार्टिंग डिफ़िकल्टी, मतलब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, किसी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि जिसके वजह से कंप्रेसर जो है स्टार्ट नहीं हो सकता, उसमें से हमिंग साउंड होती है, तो आपको कंप्रेसर चेक करना है। मतलब कभी कभी वोल्टेज कम होने से भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, या फिर बेरिंग फेल होने से, ऑयल लुब्रिकेशन कम होने से, ओके, कंप्रेसर जो है उसको स्टार्ट नहीं हो पाता, हो वाइंडिंग वीक होने से भी ऐसा हो सकता है कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। अगर ऐसा कुछ है तो कंप्रेसर में से हमिंग साउंड आती है, तो उस केस में भी जो है एमसीबी ट्रिप हो सकता है, क्योंकि वो स्टार्ट होने की कोशिश करता है, स्टार्ट होता नहीं तो काफ़ी सारा करंट वो कंज्यूम करता है, और एक्सेसिव करंट कंज्यूम करने की वजह से जो एमसीबी है ट्रिप हो सकते हैं। अगला जो कारण है, कहीं पे ग्राउंड है, सर्किट जो है वो ग्राउंड है, और ग्राउंड होने की वजह से अगर एलसीबी वहाँ पे होगा तो एलसीबी वहाँ पे ट्रिप होते रहेगा, तो वो भी एक कारण होता है एमसीबी या एलसीबी ट्रिप होने का। थैंक यू वेरी मच।